हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र बल्ला फ्रॉम वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। आज मैं बात करूंगा एक पेशेंट की जिन्होंने मुझे पहली बार कॉल किया था 5 जनवरी 2020 में, और इनका जो मेन इशू था वो था पाइल्स, जो कि ग्रेड 3 का पोजीशन हो चुका था और जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। दूसरा इनका IBS का प्रॉब्लम था। तो हमारा तो वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एंड वॉक एंड रेस्ट रूटीन्स है, तो वही उनको बताया था। और उनको 4-5 दिन में आराम मिलना शुरू हो गया था और उनके मोशंस में भी जो 3-4 होते थे वो रिस्ट्रिक्ट होकर 2 तक हो गए थे। उसका फॉर्मेशन में भी चेंज आने लगा था शाम को। तो अभी आज मेरी बात हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग में इस वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगी, उनका जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है। अभी उनका 40-50% उनका हेमरॉइड्स का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया, एंड होपफुली अगले 20-25 दिन के अंदर, 20-30 दिन मान लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 0% रह जाएगा, 100% रिलीफ हो जाएगा। नाउ सबसे मजे की बात क्या है कि इसमें कोई दवा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एंड वॉक एंड रेस्ट, आप खुद वीडियो को देखिए, अंदाजा लगाइए कि इसके ऊपर फर्दर रिसर्च क्यों नहीं हो रही, और फर्दर रिसर्च होगी तो क्या होगा ये आप सोचिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। अच्छा, वही फीडबैक था मेरा ये जी जी कि 20 डेज हो गए हैं ऑलमोस्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किए हुए। तो एक्चुअली पहला जो संडे पड़ा था उसमें मैंने ड्राई फास्टिंग करी थी 36 आवर्स की। हाँ जी। और फिर उसके बाद नहीं करी थी, तो आज करी है। ठीक है। तो फीडबैक ये है कि देखिए इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। और इम्प्रूवमेंट मैं ये कहूँ कि पहले तो जो पहला वीक था उसमें क्या होता था कि मॉर्निंग का स्टूल हमेशा, मैंने आपको बताया भी था कि वो थोड़ा बिल्कुल अनफॉर्म्ड आता था, उसमें म्यूकस भी आता था। और जो इवनिंग में भी मुझे स्टूल होता था उसमें वो बिल्कुल मतलब वेल फॉर्म्ड था और ठीक ठाक था वो। फिर सेकेंड वीक में जब हम गए थे आफ्टर फर्स्ट फास्टिंग, तो उसमें भी यही थोड़ी सी समस्या रही थी कि मॉर्निंग वाला अनफॉर्म्ड था और इवनिंग वाला थोड़ा फॉर्म्ड था। फिर थर्ड वीक में मॉर्निंग वाला भी थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन में आने लग गया था और इवनिंग वाला तो वैसे भी फॉर्म में ही था। तो और ये था कि जो हेमरॉइड्स की कंडीशन है वो इस समय ये समझ ली 40-50% तक मतलब कम हो गई है। ओके। बस ये हो रहा है कि उसमें इचिंग होती है और पेन होता है। पहले पेन नहीं होता था, पहले पेन नहीं होता था। हाँ। लेकिन अब उसमें इचिंग और पेन होने लग गया है। तो हो सकता है कि वो ठीक हो रहे हो, करेक्ट हो रहे हो अपने। हाँ, वो तो ठीक है। आपने 21 दिन में एक बार भी पानी बढ़ाया क्या? हाँ, मैंने बीच में देखिए कल बढ़ाया था मैंने पानी एक्चुअली। ओके। क्योंकि आज मुझे वो फास्टिंग करना था, तो कल मैंने, आपने मुझे बहुत पहले भी बताया था कि नमक पानी वाली फास्टिंग कर लेना एक बार। तो कल मैंने करीबन 5 गिलास नमक वाले पानी पिए थे और करीबन 5 गिलास नॉर्मल पिए थे। ओके। तकरीबन 10 गिलास हो गए थे ये। तो आज यूरिन ठीक से आ रहा है? हाँ, यूरिन तो बहुत बढ़िया आ रहा है सर। बस इशू ये है कि मुझे 5-6 पिछले एक हफ्ते से बस ये इशू हो रहा है कि जो पेट में रंबलिंग होती है और उसमें गैस बहुत बनती है, बस ये होता है। जैसे दिन में इतनी गैस नहीं बनती है, शाम में गैस बनती है, उसकी वजह से नींद भी अच्छी नहीं आती है और नींद में भी उठ जाता हूँ मैं, मतलब मेरी नींद टूट जाती है, बस ये। तो थोड़ा मतलब जो गैस का फॉर्मेशन है ना खाना खाने के बाद। शुगर इंटेक कितनी है आपकी? सर शुगर तो लास्ट वीक की मैंने हर रोज की 4 चम्मच करी हुई है। तो पहले कितना होता था? पहले नहीं लेते थे? पहले हफ्ते में बिल्कुल नहीं लिया शुगर मैंने। फिर सेकंड वीक में भी बहुत ही कम लिए ये मान लीजिए। फिर मैंने आपका और 2-3 वीडियोस देखे थे, तो आई गॉट टू नो कि भाई शुगर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर मैंने हर 2 घंटे में ये मान लीजिए 1 चम्मच खाना शुरू कर दिया। तो ये गैस उसके बाद बढ़ी है? हाँ, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ गई है। एक दिन बंद करके देखिए शुगर को। अच्छा, या फिर चलने दीजिए, 1-2 दिन और, कुछ दिन और चलने दीजिए। अगर शुगर से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फायदा हो रहा है किसी एंगल पर, वॉक एंड रेस्ट तो रेगुलर चल रहा है ना? जी जी, आज भी वॉक एंड रेस्ट रेगुलर ही चल रहा है। सुबह से ही चल रहा है? हाँ, सुबह शाम दोनों बढ़िया चल रहा है। नहीं नहीं, आज के लिए क्या है, आज के लिए सुबह से चल रहा है या आज? नहीं नहीं, आज कम से कम 5 बार हो चुका है। ओके। नहीं, वो चल रहा है आज के दिन, क्योंकि वो अगर वॉक एंड रेस्ट नहीं करता तो मैं अनरेस्ट हो जाता, फिर दिक्कत हो जाती है।
तो वो तो मैं चल ही रहा है, बस मेरा यही इशू था कि अब खाली गैस का ही फॉर्मेशन इशू हो रहा है, गैस है और थोड़ा सा मतलब गैस की वजह से मुझे लगता है स्टूल फॉर्मेशन भी ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, वो एकदम जो चेंजेस आने ना वो चेंजेस आने पर होगा। आप अभी शुगर भी चलने दीजिए, दो चार दिन और चलने दीजिए, फिर उसके बाद भी अगर आपको गैस मतलब जो गैस पास तो हो ही रही है ना। हाँ गैस पास हो रही है, ऐसा नहीं है कि बनी हुई अंदर। तो चलने दीजिए अभी शुगर को, चलने दीजिए दो चार पांच दिन चलने दीजिए, फिर उसके बाद खुद बंद कर दीजिएगा, फिर बंद करके देखिएगा गैस कम होती है। मेरे ख्याल से शुगर बंद करने से गैस कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा, पर अभी चलने दीजिए, थोड़ा अच्छे से निकलने दीजिए, उसमें जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस हो जाएगा प्रॉपरली। या फिर ट्राई करके देखना चाहते हैं तो एक दिन बंद कर दीजिए बीच में, जैसे आज तो कुछ भी नहीं खाया होगा ना, शुगर भी नहीं लिया होगा। नहीं आज कुछ भी नहीं लिया। हाँ तो फिर कल तक आपको आइडिया लग ही जाएगा कि गैस कैसा हो रहा है। तो अगर आपको आपको लगे कि गैस में कल इम्प्रूवमेंट है तो शुगर बंद भी कर दीजिए एक दो दिन बीच में, बट फिर स्टूल का फॉर्मेशन में गड़बड़ हो तो फिर चालू कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, उसका फीडबैक का पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बस ये पूछना था कि जैसे जिस दिन फास्टिंग करते हैं उस दिन क्या कहते हैं स्टूल फॉर्मेशन में म्यूकस आता है क्या, मतलब या थोड़ा सा चेंजेस होते हैं? क्योंकि जैसे आज अभी शाम में मुझे स्टूल हुआ था तो थोड़ा सा तो फॉर्म्ड था चीजें, लेकिन साथ में म्यूकस भी पास हुआ था, मतलब ज्यादा नहीं था म्यूकस। हो सकता है उस दिन, हो सकता है हाँ म्यूकस होता है मेरे ख्याल से, उस दिन म्यूकस रहेगा फिर वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। बेसिकली तो वो है ना कि जैसे आपका जो पाइल्स वाला प्रॉब्लम था वो 100% ठीक हो जाए तो फिर उसको फिर देख सकते हैं बाकी चीजों को, एक बार वो पूरा हो जाए। अभी आप जैसे 40% कह रहे हैं तो एक बार वो 100% ठीक हो जाए, एक में हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए, तो वो एक मेजर चीज हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको फोकस कर सकते हैं। जी जी जी, और होपफुली इसका आपका ये फर्क तो पड़ेगा, मेरे को लगता है इस वीक में आपको जो दो बार आता है ना सुबह शाम, वो एक बार आना शुरू हो जाए तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा। हाँ मेरे लिए वो भी है कि दो बार की जगह एक ही बार हो जाए तो बेटर है वो भी। मोस्ट लाइकली इस हफ्ते में पड़ जाना चाहिए वो फर्क भी। हाँ मुझे वही लग रहा है क्योंकि थोड़ा डाइजेशन तो बिगड़ा हुआ, डाइजेशन की वजह से सारी चीजें खराब हुई है। गैस फॉर्मेशन भी आप ही बता रहे थे कि डाइजेशन की वजह से ही होता है, वरना ऐसे नहीं होता है। हाँ हाँ वो नहीं होना चाहिए। सर्दियों में कुछ हो जाता है कई बार, गर्म पानी भी लेके देख लीजिए, उससे भी शायद गैस का कुछ फर्क पड़ जाएगा आपको। कोल्ड गर्म पानी ले लीजिए, मतलब दिन भर गर्म, मतलब तीन नहीं खाने के साथ ही लेना, खाने के साथ ले लीजिए गर्म पानी। अच्छा फूड में ही गर्म पानी, ठीक है सर, कल एक बार अगर फूड के साथ मैं गर्म पानी ट्राई करूंगा। ठीक है जी, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।